फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज दैट व्हेन सॉल्वेंट रीच इज द टॉप वी सी डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर एंड दोज बैंड्स आर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच फॉर्म्स डाई। ठीक है, तो डाई बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट हमको चाहिए उन कंपोनेंट्स के हमको क्या दिखाई देंगे, कलर बैंड्स। ठीक है, बताओ सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस ओ हाँ बताओ। तो राइट डाउन द लास्ट पॉइंट अबाउट मेथड और फिर हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड यूजेस। आज हमको क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट करना है। ठीक है, हमको आगे बढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी से। तो व्हाट इज द लाइट लास्ट पॉइंट? सॉल्वेंट रीच इज द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, तो जो हमारा फिल्टर पेपर होगा तो सॉल्वेंट, यहाँ का जो सॉल्वेंट था हमारे पास, ये सॉल्वेंट राइज करता 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा? टॉप तक। सर डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राफी? हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाए थे, जहां पे हमने पहले डिस्कस किया था फिल्टर पेपर, फिर ये वाला डायग्राम था और लास्ट में हमारा रिजल्ट आया था फिल्टर पेपर का। ओके सर। तो वही डायग्राम है हमारा क्रोमेटोग्राफी का। तो ये मिडल में था, यहाँ पे हमारा क्या पूछ चुका है, ये सॉल्वेंट रीच दी, तो कौन पहुंच गया यहाँ पर? सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट पहुंच चुका है तो सॉल्वेंट अपने साथ में क्या लेके आएगा? सर कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट? सर डाई के कंपोनेंट। तो वी विल सी डिफरेंट कलर बैंड्स। क्या दिखेंगे हमको? कलर बैंड्स दिखाई देंगे। और ये कलर बैंड हमको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दिस कलर बैंड रिप्रेजेंट्स दी डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डाई। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ये वाला डायग्राम से? बताओ। यस तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? व्हेन सॉल्वेंट रीचेज द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाई फॉर्म्स डिफरेंट बैंड डिफरेंट कलर्ड बैंड्स ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये सभी क्या बना लेंगे? डिफरेंट कलर के बैंड बना लेंगे और हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा। ये हमारा ओरिजिन था जहां से सभी कलर मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। पहला स्पॉट यहां पर दिखाई देगा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, और ये हमारा सॉल्वेंट का लेवल है। ये क्या है? लेवल ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है? कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स लिख रहा है। तो हमको कुछ स्क्रिप्ट ऐसी दिखाई देगी, यस और नो? और लास्ट क्लास में मैंने आप यस सबको सर। शो भी किया था, ये रहा हमारे पास फिल्टर पेपर का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ओरिजिन।
ये हमारा पहला कलर, और फिर ऊपर हमको रेड कलर, और टॉप पे यहाँ पर चला जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। क्या हुआ? इसकी आवाज आई है? ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हिवानी, इधर यू टॉक टू राकेश सर, और या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन या फिर मेथड जो है जिससे हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड में हमारे पास ऐसे कलर्ड बैंड आएगी। क्या आएगी? कलर्ड बैंड स्ट्रिप आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ? क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर वी गोना टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राम और एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके। जस्ट डू लेट मी नो कि जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ये राइटिंग पार्ट। सर डन। डन। रिमेनिंग बाकी सब, शलेशा, भूमि, आस्था, अनन्या? यस सर डन। ओ Now we're going to discuss the chromatogram. ठीक है, तो एंड में हमारे पास जो स्ट्रिप आ जाएगी जिसके अंदर हमको डिफरेंट कलर बैंड दिखाई देंगे, ठीक है, उस स्ट्रिप को क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटोग्राम। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आया क्रोमेटोग्राम के बारे में, जब हम क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे एंड में जो स्ट्रिप आएगी जिसके ऊपर हमको कलर्ड बैंड दिखाई देंगे उस स्ट्रिप को क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लिख लेना द फिल्टर पेपर, द फिल्टर पेपर विद separated bands of various constituents। ठीक है, जब भी मैं इस वर्ड को लिखूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। किसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? डाई के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। डाई के कंपोनेंट। ठीक है, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कलर्ड सब्सटेंस। इसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसे? क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो अब बताओ हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये हमारा फिल्टर पेपर था, ये सॉल्वेंट का लेवल था, ये हमारा ओरिजिन था, और ये हमको डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। ये
ठीक है, और ये क्या है, लेवल ऑफ सॉल्वेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, क्रोमेटोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अब बताओ किसको क्रोमेटोग्राम में डाउट आ रहा है, सभी को क्लियर है क्रोमेटोग्राम? यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, जब एक बार इसको नोट डाउन करो, इसके बाद वी गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर टू एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, राइट डाउन, इसको एक बार लिख लो, फिर हम आगे करते हैं। और जिसको जो भी समझ में ना आए, वर्ड भी समझ में ना आए, पॉइंट आउट करना। सर डन। रिमेनिंग सर डन। What are the advantages? हमने पहले भी डिस्कस किया था advantages of chromatography, right? याद है किसी को advantages हमने क्या डिस्कस किए थे? First advantage, क्या chromatography करने के लिए हमको जो sample चाहिए वो large amount में चाहिए या फिर small amount में चाहिए, बताओ? क्रोमेटोग्राफी हमने की थी, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्लास में किया है, हमने कितना सैंपल की रिक्वायरमेंट हुई, जो हमने डाई ली थी वो ज्यादा ली थी या थोड़ी सी ली थी, बताओ? सर स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल, तो क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या नहीं है? ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली एडवांटेज ये है। सेकंड एडवांटेज, जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी करने के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या वो वेस्ट हो जाते हैं, क्या हम उनको रीयूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो यानी क्रोमेटोग्राफी में किसी भी तरह का सब्सटेंस का वेस्टेज नहीं होता, क्या नहीं होता? वेस्टेज नहीं होता। दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट एडवांटेज क्या है सब बताओ? वी डू नॉट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। सेकंड, द कंपोनेंट्स ऑफ कलर्ड सब्सटेंस डू नॉट गेट वेस्टेड इन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इनको लिख ले एक बार, सबको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? यस। चलो, तो यहां पर हेडिंग डाल लो, एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो हेडिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट एडवांटेज, इट कैन बी कैरिड आउट विथ अ वेरी लेस या फिर स्मॉल लिख लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल या फिर सैंपल। ठीक है, तो हमारे पास या तो मटेरियल जिसे हम सैंपल बोलेंगे उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? सर लेस अमाउंट में होगा तभी भी हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है,
इसी के बाद सेकंड एडवांटेज, ठीक है, सेकंड एडवांटेज क्या है? सब्सटेंसेस, अंडर इन्वेस्टिगेशन या क्रोमेटोग्राफी करते टाइम डू नॉट गेट वेस्टेड इन क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो जब हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो सैंपल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो डू नॉट गेट वेस्टेड. ठीक है, क्या ये दोनों एडवांटेजेस में किसी को कोई डाउट है तो वो बताए. ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, या इमेजिन नहीं कर पा रहे. अगर इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो तो भी वो डाउट है. ठीक है, तो एडवांटेजेस समझ में आए? यस सर. भूमि, हिमानी, सलेशा सर. yes. एक बार सेकंड वाला समझा दीजिए. ठीक है, ओके. ठीक है, सेकंड वाले में क्या है कि बाय चांस लेट्स अज्यूम किसी का मर्डर हो गया और मर्डर के सैंपल के साथ में, मर्डर की बॉडी के साथ में किसी को थोड़ा सा अमाउंट में ब्लड मिल गया, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं, राइट? यस सर. अब उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं, वो लैब में भेज देते हैं. किसमें? फोरेंसिक लैब में. अब फोरेंसिक लैब में जो डॉक्टर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या लैब टेक्नीशियन होंगे, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे और फाइंड करेंगे उस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, राइट? ठीक है. यस. तो उन कंपोनेंट के डोनेशन में, ठीक है, तो उन्होंने क्रोमेटोग्राफी करी. अब जब उन्होंने क्रोमेटोग्राफी करी, क्या क्रोमेटोग्राफी करने के बाद वो ब्लड सैंपल जो उनके पास है, क्या वो वेस्ट हो गया या अभी भी वैसा वैसा ही है? अभी भी तो वो एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है. यस सर. फर्दर कोई टेस्ट करना हो तो मैं उससे कर सकता हूँ, क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट से, राइट मानी? यस सर. तो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेटिंग टेक्निक है उसमें सैंपल का वेस्टेज नहीं होता. क्या नहीं होता? सैंपल का वेस्टेज. हाँ, आई वाज समझ में? यस सर. तो दीज आर द टू एडवांटेजेस. अब हमको एडवांटेज समझ में आ गया सर, तो अब हम इसके यूजेस की कहां कहां पर इसका यूज कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सबने ये नोट डाउन कर लिया? यस 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 सर. ओके ओके. अर्पिता, आपको समझ में आ रहा है? यस सर. चलो, अच्छी बात है. ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और वन बाय वन यूजेस डिस्कस करते हैं. Now we're gonna discuss the uses of chromatography. सबसे पहला यूज और सबसे कॉमन यूज आप सभी को पता है क्या करने के लिए यूज करते हैं? अभी तो पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हमने, to separate the colored component of a ink, right? Uses, कई बार क्या होगा कि uses की जगह पे application word आएगा, तो word से confuse मत होना, दोनों का मतलब क्या है uses पूछने जा रहे हो तुमसे. uses आ जाए या फिर application आ जाए, दोनों का मतलब same है. ठीक है, तो first
used to, it is used to separate colored from that. तो ये तो सबसे कॉमन और बेसिक एग्जाम्पल है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट? Yes. तो इसके बारे में हमको ज्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है. इसके बाद जो हमारा सेकंड है, इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड. अभी यहां पे मैंने दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है. व्हाट इज अमीनो एसिड? आप सब अमीनो एसिड्स के बारे में क्या जानते हैं बताओ? सब वो प्रोटीन से बनते हैं. प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन इनसे बनते हैं. यस सर, मतलब अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को अगर हमको सेपरेट करना हो तो हम कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, किसका यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी का. तो अमीनो एसिड्स किस लिए यूज होते हैं सर? टू फॉर्म प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं. और इन अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी. सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. आ जाओ, नाउ वी गोना डिस्कस द थर्ड. अगर किसी के यूरिन से शुगर को सेपरेट करना हो तो हम कौन से टेस्ट का यूज करेंगे? सॉरी, कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी का. इसमें से यूरिन में से शुगर को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी. थर्ड यही है. इट इज यूज इन द सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम यूरिन. ठीक है, यूरिन से शुगर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर. फोर्थ पॉइंट. तो इन फोर्थ पॉइंट वी गोइंग टू, हाँ, एक और चीज मेरे को बताने थी. ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक चीज जानो. अब क्या होता है कि काफी सारे जो पीपल होते हैं दे आर कंज्यूमिंग ड्रग्स. ठीक है, इलीगल सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं. अब जब उनका डॉक्टर चेकअप करते हैं तो उनको डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि उन्होंने कौन सा ड्रग कंज्यूम किया है? ड्रग मतलब मेडिसिन, इलीगल मेडिसिन. ठीक है. Yes, sir. तो अगर एज अ डॉक्टर, लेट्स अज्यूम मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पास कोई पेशेंट आया है और वो बोल रहा है कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम कर लिया और मुझे फाइंड करना है कि उन्होंने कौन सा ड्रग कंज्यूम किया है और कितने अमाउंट में किया है. ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है कौन सा ड्रग कंज्यूम किया है, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा? क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो उसके ब्लड का सैंपल लेके उसको रन करवाऊंगा तो मैं देखूंगा कि क्रोमेटोग्राफी यानी जो ड्रग का सैंपल है वो भी अलग से बैंड शो करेगा. ठीक है, उस बैंड के बेसिस पर वी कैन डिटरमाइन कि उन्होंने कौन सा ड्रग या फिर इलीगल मेडिसिन कंज्यूम किए. ठीक है. Yes, sir. और इस टेक्निक का यूज भी करते हैं ब्लड में से ड्रग्स को, सॉरी इलीगल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए भी. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट यही है. फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन
of drugs from the samples of blood. ठीक है, तो ब्लड के सैंपल से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. आई बात समझ में? यस सर. अगर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल फिल्टर पेपर लेंगे तो उस क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी. बिल्कुल सही. ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी. मेरे ख्याल से यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी सभी को क्लियर हो चुका है, राइट? यस सर. यस सर. ठीक है, अभी आप सब नोटिस करोगे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्या, सॉलिड एंड लिक्विड. तो हमने काफी सारी टेक्निक पढ़ी है. अब हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड को सेपरेट करने की. किसको सेपरेट करने की? लिक्विड इन लिक्विड. तो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऐसे मिक्सचर आएंगे जिसमें दोनों सब्सटेंसेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट. लिक्विड. और मुझे फाइंड करना है और उनको सेपरेट करना है. ठीक है, और मुझे कौन सी टेक्निक यूज करूंगा वो हम डिस्कस करेंगे. जब अरे यहां पर पहली कंडीशन, दोनों के दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए सर? मिसेबल. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट मिसेबल, कि मिसेबल क्या होता है? मिसेबल सॉल्वेंट. बताओ मिसेबल के बारे में जानते हो? मिसेबल लिक्विड्स? नो सर. नो सर. एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, सर. डन. डन. बाकी रिमेनिंग? सर डन. गुड. अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में, सर आई नो अबाउट पॉसिबल लिक्विड. हाँ आस्था, अगर आपको पता है तो बताओ ना. डोंट वरी, बताओ आप. Sir, the liquids which can be dissolved together are called miscible liquid. बिल्कुल सही. ठीक है, एग्जाम्पल. सर एग्जाम्पल तो याद नहीं. याद है तो बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं. सर एग्जाम्पल याद नहीं है. कोई दिक्कत नहीं. एग्जाम्पल आपको याद है वैसे? सर बिल्कुल याद है, आपने देख लिया. एल्कोहल एंड वाटर. यस सर. बोथ डिजोल्व इन ईच अदर और कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, और वो जो बनाते हैं, ठीक है, उन दोनों लिक्विड को क्या बोलते हैं? मिसेबल लिक्विड. तो अभी समझ लेते हैं. पहले तो एक छोटी सी हेडिंग डालो. अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर दोनों के दोनों सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. ठीक है, तो दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे हम? हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन. सभी ने इस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा. बताओ डिस्टिलेशन के बारे में किसी ने सुना है? सर बिल्कुल सुना है. और सबसे इजी यानी सिंपल तरीके से बोला जाए कि लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस स्टेट में पहुंच जाएगा? सर गैस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में. और उसको अगर ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वो वापस किस स्टेट में आ जाएगा? सर वेपर से. वेपर से किस में आ जाएगा? सर लिक्विड में. लिक्विड. इस प्रोसेस को, हाँ इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यस सर, डिस्टिलेशन.
अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए या सिंपल वे में बोला जाए, हमारे पास क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? वेपर्स में। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हीट। तो एरो इस साइड है, तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए हीट करना पड़ेगा, और वेपर से लिक्विड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूलिंग। ठीक है, आई थिंक सभी को ये चीज जरूर क्लियर हो चुकी है, तो सभी इसके बारे में जानते भी हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो इसी को हम डेफिनेशन बना दें डिस्टिलेशन की, आप सभी को याद भी रहेगी। यस सर। चलो तो फिर इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख देते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्या करेंगे? हीट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर। ठीक है, लिक्विड से हीट करने पर वेपर बन गया, पहला पार्ट। एंड देन कूलिंग दी वेपर्स टू गेट दी लिक्विड। ठीक है, बैक मतलब वापिस मिल जाएगा सर, बट इस तरीके से हम सेपरेट कैसे करेंगे सर? वो वापिस मिल जाएंगे? यस सर। तो इस तरीके से हम सेपरेट कैसे करें? क्या हम सेपरेट कर पाएंगे ऐसे? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे सर? जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो पहले जिसके भी वेपर कन्वर्ट होंगे उनको सेपरेट कर लूंगा मैं। क्या कर लूंगा? वेपर्स को डिफरेंट प्लेस पर सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, और फिर उनको कूल डाउन कर लूंगा। तो फिर क्या होगा? मेरे को डिफरेंट प्लेस पर जो लिक्विड है वो कलेक्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। यस मेरे ख्याल से सभी को डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में क्लियर हो चुका है। यस ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को कहां पर यूज करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम यूज करेंगे किसके अंदर? साइड में यहां पर ऐसे नोट बना के लिख लेना। किसके लिए? टू मिसेबल लिक्विड मिक्सचर के लिए। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो मिसेबल लिक्विड मिले हों वहां पर हम कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? डिस्टिलेशन का। किसका यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन। हाँ सभी को मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया तो पता ही चल चुका है व्हाट इज डिस्टिलेशन, राइट? यस सर। ठीक है, बट डिस्टिलेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, फर्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना होगा। ठीक है, पहले एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, yes, फिर इसको नोट डाउन कर लो। एक बात बताओ, ठीक है, वैसे आपको बस याद रखना, साइड में याद रखना, एक वर्ड आता है डिस्टिलेट। क्या वर्ड आता है?
ठीक है। तो अगर आपको इस वर्ड से एनकाउंटर हो तो इसका मतलब समझ जाओ पहले, ठीक है। तो डिस्टिलेट का मतलब क्या है कि जब हमने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उस लिक्विड को बोला जाएगा डिस्टिलेट। क्या बोला जाएगा? यस सर, डिस्टिलेट। हाँ ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा में या फिर कभी तुमको एनकाउंटर हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, डिस्टिलेट वर्ड तो सर ने पढ़ाया नहीं है बट डिस्टिलेशन वर्ड का मतलब जान लो, ठीक है। कभी क्वेश्चन में मैं लिख दूं या क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टिलेट का मतलब क्या है? पेपर से लिक्विड में वापस कन्वर्ट होने वाले लिक्विड को बोला जाता है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूं थोड़ा सा। द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, ठीक है। तो वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में लाने वाले उस लिक्विड को क्या बोला जाएगा? डिस्टिलेट, ठीक है। यहां तक क्लियर? यस सर। हम कौन से डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे? देयर वर टू टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। फर्स्ट वन सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेकंड वन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट? यस और नो? यस सर। सिंपल डिस्टिलेशन